हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका अग्रवाल डिवाइन सेंटर पाठोवा स्पिरिचुअलिटी से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, कॉफी कप रीडर, स्पिरिचुअल गाइड हूं, और ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूं। इसका सिंपल सिंपल पर्पस है टैरो के स्प्रेड्स को एक्सप्रेस करना और मिनी टैरो लेसन्स। तो बेसिकली ये उन लोगों पर एप्लीकेबल हैं जो टैरो में ट्रेंड हो चुके हैं। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि कुछ लोग सिर्फ मीनिंग से कार्ड सिखा रहे हैं, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है कनेक्ट करने में। तो सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि आप एक एक्सपर्ट टीचर से सीखिए। खास करके ये वीडियोस उन लोगों को काम आएंगे जो कि प्रॉपरली अट्यून्ड हैं, या मेरे ही स्टूडेंट्स जो सीख चुके हैं और स्प्रेड्स पे हमें और डिटेलिंग चाहिए, तो उनके लिए ये मिनी लेसन्स मैंने स्पेसिफिकली बनाया। लेकिन अगर आपने नहीं सीखा और आपका इंटरेस्ट है और आप सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्सेज हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंडला स्प्रेड का। मंडला स्प्रेड जो होता है वो 8 कार्ड्स का स्प्रेड होता है। बेसिकली वो रिलेशनशिप के लिए होता है। सो किस तरह से हमने इसको लेआउट बनाया, वैसे इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने स्प्रेड्स बनाएं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब वैसे बोल रहे हैं या हम लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो हमें समझने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम उसको एक्सप्लेन कर दें प्रैक्टिकली तो ये एक सैम्पल रीडिंग है। ये किसी पर्टिकुलर रीडिंग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कार्ड्स किसी की एनर्जी से निकले हैं। ये जस्ट एक सैम्पल रीडिंग है सिर्फ समझने के लिए। इस रीडिंग को बहुत डिटेल में भी करा जा सकता है, और एक्चुअली जब क्लाइंट आता है तो हम कैसे करते हैं वो हम क्लासेस में सीखते हैं। तो इस कार्ड से हम रीड करेंगे क्वेरेंट। क्वेरेंट मतलब कि जो हमारा क्लाइंट है, जो भी हमारे पास आया। तो यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक लड़की आई है अपने रिलेशनशिप के लिए, तो यहाँ पे वो ये लड़की का कार्ड है। फिर इस कार्ड से हम रीड करेंगे नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज 8। तो नंबर 2 कार्ड से हम इससे रीड करेंगे। पहले ये लड़की का कार्ड है कि वो रिलेशनशिप में किस तरह से है। उसके बाद ये कार्ड आपको ये बताएगा कि वो अपने पार्टनर को किस तरह से देखती है, मतलब वो क्या समझती है कि उसका पार्टनर क्या है, फिर उसका पार्टनर उसको कैसे देखता है, थर्ड कार्ड से पता चलेगा। उसके बाद वो जो उसका पार्टनर है वो उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि वो उसके लिए क्या मायने रखता है, उसके पार्टनर के लिए वो क्या मायने रखती है, इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स क्या है और इस रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ्स क्या है और पॉसिबल आउटकम क्या है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने खोल लिया कार्ड, सैंपल रीडिंग है तो हम ऐसे ही खोल रहे हैं। अब देखिए इस कार्ड्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम रीड कैसे करेंगे इन कार्ड्स को। सो जस्ट एन ओवरव्यू आई एम गिविंग यू, नॉट मच इन डिटेल। यहां पे मुझे दिख रहा है कि वो जो लड़की है वो रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरह से स्टक्ड है। स्टक्ड इन द सेंस कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने इतना इमोशनली स्टक्ड है कि उसने बाउंड्री बना रखी है और उसको उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना ही नहीं है। उसको बस कुछ जादू चाहिए कि अगर रिलेशनशिप खराब है तो कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे हिसाब से सब कुछ हो जाए। तो शी इज टू मच बाउंडेड इन दैट रिलेशनशिप एंड शी सीज हर पार्टनर। उसको लगता है कि जो उसका पार्टनर है वो उसकी लाइफ है, अगर वो उससे छिन गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी, या उसके आने से पहले या उसके जाने के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, जो कि ट्रुथ नहीं है। ऑब्वियसली ये कार्ड्स दोनों बता रहे हैं, टैली करें कि वो ट्रुथ नहीं देखना चाह रही है। इस समय उसकी इमोशंस इतने ज्यादा उसके ऊपर हावी है कि वो ट्रुथ देख नहीं पा रही है। उसका पार्टनर मतलब कैसे देखता है उसको, उसका पार्टनर उसको ऐसे देखता है कि भाई ठीक है, मैं उसको जितना भी मैनिपुलेट करूंगा और डोमिनेट करूंगा ये मेरे हिसाब से चलेगी। तो इज बेसिकली यू नो सीज हर एज अ डम पर्सन, कि वो मतलब ही सीज कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं जिस तरह से चाहूं इस रिलेशनशिप को मैनिपुलेट कर सकता हूं। नाउ उसका पार्टनर उसको मतलब लाइक वो पर्सन इसके लिए क्या मायने रखता है। तो जैसा कि ये कार्ड अगेन बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो इमोशनली बंधी हुई है, आंख बंद करके विश्वास कर रही है, अपने आप को उसने क्लोज कर लिया है। कोई भी उसका फ्रेंड या कोई क्लोज वन अगर कुछ वॉर्न करता है उसको इस रिलेशनशिप के लिए, तो वो कंप्लीटली उसने अपने आप को क्लोज कर लिया है दूसरों के सजेशन सुनने से। आंखें बंद करके वो विश्वास कर रही है, उसके लिए बस एक तरह से वही भगवान है, चाहे वो उसको कितनी सफरिंग दे रहा है। अब यहां पर देखें कि उस बंदे के लिए ये क्या मायने रखती है, तो डेफिनेटली उसके लिए वो कुछ मायने नहीं रखती। वो सिर्फ जस्ट अपने उसको यूज कर रहा है या उसको मैनिपुलेट कर रहा है। उसको अगर एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसकी शारों पे नाचे, वो
कुछ भी करना चाहे, किसी भी तरह से उसको चीट करना चाहे, तो वो उसको बहुत ज्यादा मायने नहीं, उसके लिए वो जस्ट एक, जैसे कहते हैं ना, एक मेल शोविनिस्ट पर्सन है, या अगर यहाँ पर हम एक मेल की रीडिंग कर रहे हैं, कुछ कार्ड्स आते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली रीड करेंगे. नाउ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि डेफिनेटली वो जो लड़का है वो उसको पसंद करता था तभी वो इस रिलेशनशिप में आया, लेकिन वो जो कहते हैं ना ओवर पोजेसिवनेस हो जाता है और आप फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो. सॉरी, ऑब्स्टिकल्स हम देख रहे हैं कि इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या है, हम इस कार्ड में, तो इस कार्ड में ऑब्स्टिकल्स ये हैं कि द गर्ल इज टू मच इन लव विद द बॉय बट द बॉय डज नॉट वॉन्ट टू गिव अ कमिटमेंट. वो लड़की सपने देख रही है उसके साथ शादी करने के, फैमिली बढ़ाने के लिए, कि भाई बच्चे हो, शादी हो, मेरा एक घर हो, लेकिन वो जो लड़का है वो उसमें बॉदर्ड नहीं है. द लड़का इज जस्ट बॉदर्ड फॉर हिज ओन, यू नो, जब तक है तब तक है, जब चाहेगा वॉकआउट कर जाएगा इस रिलेशनशिप में. स्ट्रेंथ क्या है देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है. इसमें ऐसा लग रहा है कि किसी एक बंदे ने इस रिलेशनशिप को होल्ड कर रखा है और दूसरा बंदा ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहता, एक डावाडोल की तरह है. जब तक उस बंदे ने होल्ड कर रखा है नैया चल रही है, जिस दिन वो जरा सा डगमगाया बैलेंस, जो कि होना ही होना है, वो इनका रिलेशनशिप डूबेगा और वो लड़की को हर्ट भी करके जाएगा. पॉसिबल आउटकम क्या है? अब आप यहाँ पे देखिए चैरिट का कार्ड आ रहा है. वैसे तो चैरिट का कार्ड विन का कार्ड होता है, लेकिन अगर हम बाकी सारे कार्ड्स के साथ स्टडी करेंगे, जब हम कोई स्प्रेड स्टडी कर रहे हैं तो हम खाली एक कार्ड को रीड नहीं करते हैं, हम उसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्ड्स हैं, जो हमारे प्रॉपर रीडिंग चलती आ रही है, उससे हम पॉसिबल आउटकम निकालते हैं. तो यहाँ पे विनिंग पोजीशन पे अभी एक नेगेटिव माइंड है जो कि बंदा उसको मैनिपुलेट कर रहा है और वो पूरी तरह से आग बंद करके उस पर विश्वास कर रही है. बट इस रिलेशनशिप का आउटकम विनिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में नेगेटिव है, एक रिलेशनशिप में पॉजिटिव है. स्ट्रांग फाउंडेशंस जो उनके हैं, जो व्यू पॉइंट के, बिलीव्स के, वो डगमगा रहे हैं और बस उसको होल्ड कर रखा. तो इसका सिर्फ एक ही सूरत में ये रिलेशनशिप बन सकता है कि अगर वो जो पार्टनर है उसका, जो उसको मैनिपुलेट कर रहा है या जिसकी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उसकी एनर्जीज को करेक्ट करा जाए और थोड़ा सा वो भी, मतलब लड़की भी अपने लिए स्टैंड ले, ताकि वो उसको भी कंट्रोल कर सके या उसको पता चल सके कि उसकी भी सेल्फ एस्टीम है और दोनों बराबर हैं. अगर दोनों बराबर चलेंगे तभी ये रिलेशनशिप मेंटेन होगा. तो आप मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये मिनी लेसन्स कैसे लग रहे हैं. मैं और भी स्प्रेड्स के ऊपर लाऊंगी, और अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं. एंड प्लीज़ कोर्सेज के फीस कमेंट में पूछने से अच्छा है कि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछिए, क्योंकि टैरो के बेसिक कोर्स से शुरू होकर ग्रैंड मास्टर कोर्सेज हैं, तो सबका कंटेंट अलग है, सबकी फीस अलग है. तो 8826826749 और वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे वीडियो पे दिया होगा, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्सेज अपने बुक करा सकते हैं. थैंक यू सो मच.